कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की धूम मची हुई है। इस मौके पर आयोजित क्राफ्ट मेले का आगाज 7 दिसंबर से ही हो चुका है, जबकि 13 दिसंबर यानी वीरवार से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ होगा। वहीं इस मौके पर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। इस महोत्सव में विदेशों से भी कई प्रतिनिधि शिरकत करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इसका पहला पड़ाव जो है वो एक बड़े अच्छे सफल अंदाज से लगभग आज 3.25 लाख लोग अब तक आ चुके हैं इस महोत्सव के अंदर। और इस महोत्सव का जो आनंद है वो पर्यटकों ने, दर्शकों ने और तीर्थयात्रियों ने अब तक भरपूर उठाया है और एक बड़ा ही सफल अब तक सारा आयोजन रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले जो क्राफ्ट मैन हैं उन द्वारा जो दुकानें लगाई गई हैं, पहली बार 200 से ज़्यादा क्राफ्ट पर्सन जो कि स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी हैं, ऐसे क्राफ्ट पर्सन जो हैं उन्होंने अपनी कला को यहाँ पर दिखाया है और वो प्रदर्शनी और बिक्री उनकी यहाँ पर चल रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पीछे चारों तरफ आपको यात्री दिखाई देंगे जो इन क्राफ्ट के मेले में खरीदारी कर रहे हैं। 13 तारीख को इसका दूसरा आगाज शुरू होगा इस महोत्सव का, जिस दिन जो है गीता जो यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ माननीय अमित शाह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट मॉरिशस ये जो है वो भी, और हमारे रामविलास शर्मा जी, इस तरीके से बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और बहुत से गीता मनीषी, गीता के चिंतक और विद्वान, वो सब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और सेमिनार जो है 11:30 बजे जो है एक सेमिनार वो शुरू होगा यूनिवर्सिटी के हॉल के अंदर और लगभग 2000 लोग उस पल के साक्षी बनेंगे जब विद्वान व्यक्ति जो गीता के ऊपर जो ये सेमिनार होगा उस सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। और ये हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी जो हैं उसको दीप प्रज्वलन करके उस सेमिनार का शुभारंभ करेंगे 13 तारीख को। और शाम के समय हमारे माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत जी वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही इस सारे के बीच में अमित शाह जी जब यहाँ पर पूर्णाहुति, यज्ञ की पूर्णाहुति से पुरुषोत्तमपुरा बाग के अंदर हरियाणा पवेलियन, जो हरियाणा का सांस्कृतिक पवेलियन है, वो हरियाणा का जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज जो एक प्रदर्शनी लगाते हैं अपना, वो और गुजरात पवेलियन, इस सब का उद्घाटन भी माननीय अमित शाह जी करेंगे। इसके साथ साथ जो पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के आश्रम के अंदर एक ही बड़ी ही सुंदर और भव्य प्रदर्शनी तैयार है प्रदर्शन के लिए, उसका शुभारंभ भी माननीय अमित शाह जी द्वारा किया जाएगा। बता दें इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के बड़े आयोजन में मॉरिशस सहयोगी देश और गुजरात सहयोगी राज्य के रूप में शिरकत कर रहा है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मॉरिशस के राष्ट्रपति भी शिरकत करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।